हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी का चैप्टर वन, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹1 लाख, ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। For the year ended 31 March 2022, interest on capital was credited them at the rate 10% instead of 9% per annum. The pass the journal entry, pass the necessary adjusting journal entry. देखिए क्वेश्चन में मैं क्या बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जो कि फर्म में हो रहे प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, 4:3:3 में शेयर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल बता रखी है ए की 1 लाख रुपीज है, बी की 2 लाख रुपीज है और सी की 3 लाख रुपीज है। For the year ended 31 March 2022, जो year end हो गया है 31 March 2022 का, उसमें interest on capital was credited them at the rate 10% per annum instead of 9% per annum। मतलब कि जो year end हो गया है 31 March 2022 को, उसमें जो interest on capital था ना, वो 10% के rate से credit कर दिया गया partners को, जबकि करना चाहिए था 9% के rate से। मतलब कि यहाँ पे हमारा हमने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में। अब इसी को आपको रेक्टिफाई करना है एक जर्नल एंट्री से। किस तरीके से करेंगे आइए ये समझते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो कि है 10% के रेट से, वो कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है ये देखना है आपको। तो फिक्स कैपिटल ए की 1 लाख रुपीज थी, 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 होगा। बी की फिक्स कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, 10% कैलकुलेट करेंगे 20,000 होगा। और सी की फिक्स कैपिटल 3 लाख रुपीज थी, 10% कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 होगा। टोटल हो जाएगा ये आपका 60,000। तो इतना अमाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया। करना कितना चाहिए था अब वो आप नोट डाउन कीजिए। इंटरेस्ट वुड बी क्रेडिटेड एट द रेट 9% पर एनम, 9% पर एनम के हिसाब से होना चाहिए था। तो 9% के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 1 लाख का 9% 9,000 होगा, 2 लाख का 9% 18,000 होगा, 3 लाख का 9% 27,000 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 54,000। अब कितना ओवर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में। तो इसको देखिएगा, तो एक में हमने 1,000 रुपीज ए को ज्यादा दे दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, बी को भी हमने 2,000 रुपीज ज्यादा दे दिए थे और सी को हमने 3,000 रुपीज ज्यादा दे दिए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसमें हमने इतना अमाउंट ए बी सी को एक्स्ट्रा दे दिया था। टोटल अमाउंट होता है 6,000 रुपीज का। अब जब ये एक्स्ट्रा दे दिया था तो अब हमें इसे क्या करना है, फिर से डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप डेबिट मेंशन कीजिएगा। इसके बाद ये 6,000 रुपीज जो अब है ना फर्म के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि ये पहले ज्यादा दे दिया गया था, अभी हमें रेक्टिफाई करना है। तो इस 6,000 रुपीज को आप फर्म के लिए प्रॉफिट मानेंगे और इसको 4:3:3 में डिवाइड करेंगे। तो 6,000 × 4/10 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2,400। सेम इसी तरीके से 6,000 × 3/10 करेंगे तो 1,800 आएगा और सी के कॉलम में भी 1,800 आएगा। टोटल हो जाएगा ये आपका 6,000। यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कीजिएगा, क्योंकि पहले जब आपने डेबिट मेंशन किया तो उसको क्रेडिट मेंशन कीजिए, नहीं तो आप इसको समझ लीजिए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड मेंशन किया है। अब इसके बाद आप क्या करना है, आपको नेट इफेक्ट पता करना है। अब देखिए 1,000 रुपीज डेबिट थे, यहाँ पे 2,400 रुपीज क्रेडिट है, तो 1,200 × 1,400 रुपीज ज्यादा है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। बी के कॉलम में डेबिट साइड ज्यादा है 200 रुपीज से, इसलिए 200 मेंशन कीजिएगा। और सी के कॉलम में 1,200 से डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे डेबिट मेंशन कीजिएगा। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री में करंट अकाउंट का यूज करेंगे क्योंकि कैपिटल हमारे फिक्स थी। तो जनरल एंट्री होगी बीस करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, 200 रुपीज डेबिट साइड, 1,200 रुपीज भी डेबिट साइड और ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट जो होगा 1,400 रुपीज होगा। एडजस्टमेंट होगी बींग एडजस्टमेंट फॉर दी ओमिशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।